नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नंदीग्राम में चोटिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्वास्थ्य में सुधार, व्हीलचेयर से जल्द शुरू कर सकती है चुनाव प्रचार, डॉक्टर ने कहा 3-4 दिन में वापस लौटेगी। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस के 14,317 नए मरीज मिले। राज्य में कोरोना से अब तक 22,66,374 लोग संक्रमित, 57 संक्रमितों की मौत के बाद मृतक संख्या 52,667 हुई। नागपुर समेत कई जिलों में प्रशासन ने उठाए सख्त कदम, सीएम उद्धव ठाकरे ने भी दिए लॉकडाउन लगाने के संकेत। भारत में एक दिन में कोविड 19 के 23,285 नए मामले सामने आए। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,13,08,846, 117 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,58,306 पहुंची। 1,97,237 एक्टिव मरीज, अब तक 1,09,53,303 लोग संक्रमण मुक्त। कोरोना वायरस संक्रमण से विश्व में अब तक 26,28,000 से अधिक की मौत, 11,84,00,000 से इस महामारी से संक्रमित। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, यहां 2,92,14,421 संक्रमित, 5,03,000 से ज्यादा की मौत। भारत और ब्राजील में भी 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीज। राफेल लड़ाकू विमान का दूसरा दस्ता अप्रैल में भारतीय वायुसेना में होगा शामिल। भारतीय सेना अप्रैल के मध्य में राफेल लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती के लिए तैयार। यह स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा वायुसेना अड्डे पर रहेगा मुस्तैद। चुनाव आयोग ने दिया ममता बनर्जी की चोट को लेकर टीएमसी की चिट्ठी का जवाब, कहा नंदीग्राम में बनर्जी को चोट लगना दुर्भाग्यपूर्ण, इस घटना की पूरी तरह जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा यह कहना पूरी तरह गलत है कि आयोग ने राज्य की कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। केरल में कमल खिलाने के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत, 25 सीटों पर जीत के लिए बनाया फॉर्मूला। पार्टी इन सीटों पर अपने कद्दावर उम्मीदवारों को उतारना चाहती है। 2016 में भाजपा ने केरल विधानसभा चुनाव में जीती थी मात्र 1 सीट। हरिद्वार में धर्म ध्वजा थामे व्यक्ति की करंट लगने से मौत, ध्वजा की छड़ी बिजली के तारों से टकराने पर हुआ हादसा, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। महाशिवरात्रि पर्व पर शाही स्नान के लिए निकल रही थी साधु संतों की पेशवाई। बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली का बड़ा बयान, आईपीएल में दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। संयुक्त अरब अमीरात में हुआ आईपीएल का पिछला सीजन भी बिना दर्शकों के हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि दर्शक स्टेडियम में लौटेंगे। दादागिरी दिखाते चीन पर नकेल कसने के लिए आज दुनिया के 4 शक्तिशाली देशों के बीच बड़ी बैठक। क्वाड ढांचे के तहत भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर करेंगे विचार, चीन के खिलाफ बनेगी नई रणनीति। ये थे फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com।